ग्राम पंचायत बिजूरी की एक महिला हेमा शान ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि पिछले वर्ष उसके घर के साथ बह रहे गंदे पानी की नाली को पड़ोसी के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके चलते बरसात का सारा पानी उनके घर के आंगन में गिर रहा है, जिससे उनके मकान को खतरा पैदा हो गया है। महिला ने कहा कि कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब महिला ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस बंद की हुई नाली को खुलवाया जाए। हेमा शान ने बताया कि कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को नाली बंद करने के बारे में शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। महिला ने बताया कि घर में केवल वह और उनकी 102 वर्षीय सास रहती हैं, जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं। महिला ने कहा कि बरसात का सारा पानी उसके घर में घुस रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए। सर, ये समस्या पिछले वर्ष की है। मैंने पिछले साल भी आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, जिला प्रशासन में माननीय जिलाधीश महोदय जी के पास गई, कमेटी दफ्तर गई, अपने प्रधान जी को बताया, बलवंत पंचायत बजूरी, पर मेरी कोई किसी ने भी मतलब सुनाई नहीं थी। और आज फिर से वही मंजर है, जबकि मैं घर में अकेली हूँ। मेरी मदर इन लॉ 102 साल के हैं, जो डेथ बेड पे ही बोल सकती हूँ, बड़े सीरियस हैं वो। और आज तो बहुत ही ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ है, नीचे दीवार तोड़नी पड़ी, जो आपने भी देखा, सारे घर का पानी भी और पूरे खेत का पानी भी, सारा जो है वो स्कूल में भी और मेरे घर के ऊपर डाल दिया हुआ है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय जी से यह पूछना चाहूँगी कि जो नुमाइंदे जो बनाए गए हैं पंचायत के, जो प्रधान है या वार्ड पंच है या प्रधान कमेटी एरिया की जो है मैडम सुलोचना, ये मुझे कृपया इस बात का जवाब दें कि जो मैंने इनको रिटर्न एप्लीकेशन दी थी, वो मुझे इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ना तो मेरा पंचायत प्रधान बलवंत यहाँ देखने आए, ना ही मैडम सुलोचना। कल भी मैं कमेटी ऑफिस गई थी, मैंने उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, तो किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, ना ही मुझे कोई रिटर्न आंसर इनका कोई आया। तो क्या मांग करते हैं आप? मेरी ये मांग है कि या तो जो ये खेत वाले हैं ये डंगा लगाएं, अगर ये डंगा नहीं लगा सकते, मैं यहाँ खुद डंगा लगा रही थी तब भी इन्होंने मुझे लगाने नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद, अगर मेरी प्रशासन हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं अपने स्कूल के लिए और घर की सेफ्टी के लिए जो है वो डंगा लगाना जरूरी, ताकि पानी का निकास सही ढंग से हो सके। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि ये जो अगर मकान के छज्जे डाले जाते हैं, क्या ये दूसरों के घर पे डाले जाते हैं? बस मेरा ये प्रश्न है कि अगर मकान बनाना है तो उसको कितनी दूरी रखें, या कितना छज्जे का फासला होना चाहिए, या जो दूसरे के घर का पानी दूसरों के घर पे डालना उचित है? अभी आपने देखा होगा, ये बारिश हो रही है, देखिए आप, पानी जो है वो सारा हमारी दीवारों पर है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास शिकायत लेके जाऊँ, कौन मेरी सहायता करे? यहाँ जो भी, जिसको भी मैं काम के लिए लाती हूँ, उनको डरा के यहाँ से भगा दिया जाता है। तो सर, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो ये सीवरेज के जो चैम्बर हैं, एक तो गलत हमारे पंचायत एरिया में डाल दिए, चलो वो भी कोई बात नहीं, वो मेरे घर के साथ लगा दिया और वो चैम्बर जो है वो लीकेज कर रहा है। मैंने एप्लीकेशन दी थी मैडम प्रधान को कि मैडम देखिए, और वो चैम्बर जो है वो लीक कर रहा है, तो वो भी इन्होंने नहीं देखा। और दूसरी बात ये है कि कमेटी एरिया में विदाउट NOC जो है वो मकान बन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आए और इस चेक करें।